हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज। मेरा नाम है सौम्यदीप मंडल, आपका प्रिय नरेटर। आपको हम कल सुनाए थे सर ऑथर कॉनन डॉयल की लिखी गई कहानी द एडवेंचर्स ऑफ द डेविल्स फुट। आज द एडवेंचर्स ऑफ द डेविल्स फुट का पार्ट 3 आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी। छूट रहा है वॉसन, छूट रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है हमसे जो हमें नहीं मालूम चल रहा। वो रात को चांद निकली ही नहीं थी। अगर किसी को डर दिखाना था ही तो उसको एकदम खिड़की के बाजू आना होगा, लेकिन मैं सुबह जाकर देखा उधर कुछ नहीं था, नॉट अ सिंगल फुटप्रिंट्स। कुछ तो गड़बड़ है। वैसे वॉसन, चलो इधर के केव्समैन बहुत ही फेमस है, लेट्स गिव देम अ विजिट, यहीं पे घूमने चलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। होम्स का यही आदत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कभी भी कुछ भी वो अपना चॉइस चेंज कर लेता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। इसलिए हम बाकी का पूरा दिन लगभग केवमेंस को देखकर ही गुजारे। वहां के बड़े बड़े केव्स बहुत ही आकर्षक थे। उसके बाद जब हम घर लौट आए तो आकर होम्स ने दिखा कि हमारे घर में कोई वेट कर रहे हैं। वो बोल उठा, अरे डॉक्टर लियो ऑनस्ट्रैंड, आप तो अफ्रीका में थे, यहां कैसे? मैंने डॉक्टर लियो ऑनस्ट्रैंड को ठीक से देखा। सच में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। उनके लंबे से चेहरे में एक बैंड किया हुआ नोज बहुत ही अच्छा दिखता है। उनके सामने का होठ पीला हो चुका है, जरूर काफी निकोटिन सेवन की वजह से ही हुआ होगा। वॉटसन, इनसे मिलो, इनका नाम है डॉक्टर लियोन स्टैन। ये मेरे पहले भी इनके साथ परिचय हो चुका है। ये पूरे बहुत ही वेल नोन हंटर है, तुम्हें इसके साथ मिलने में खुशी होगी। लेकिन अभी क्या हुआ है वो बताइए, आप अचानक इधर कैसे? क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप अचानक ही किसी के घर जाने में पसंद नहीं करते हो। मैं प्लिमाउथ की तरफ से ही आया हूं, वहां से तैर कर शिप के, और मेरे सारे बैगेज भी उधर ही है। मुझको सारे यानी कि मोर्टिमर ट्रेगनिस ने और बाकी सारे उसके कजन्स ने टेलीग्राफ किया था उस हादसे के बारे में, इसलिए मैं जल्दी चला आया। मुझे यहाँ के पादरी वाइड ने भेजा है आपसे सलाह लेने के लिए। लेकिन सर, आपके पास आने का एक ही रीजन है, मुझे आपसे सिर्फ एक सीधा साधा सवाल पूछना है। ये कहकर वो हमारे तरफ आगे झुककर बैठा। तो सर, शर्लक होम्स, आपको इस केस में किस किस के ऊपर शक होता है? कई वो मैं तो नहीं? नहीं, अभी तक किसी के ऊपर तो शक आया नहीं है, और मैंने केस को तो अभी ऑफिशियली अपने हाथों में लिया भी नहीं है। ये सुनकर गुस्से में ही एक तरह डॉक्टर स्ट्रैमल बोल उठे, मैं वही भी कह देता हूं सर होम्स कि जितना पुलिस काम करते आप उतना भी नहीं कर सकते। मैं फुकट में ही अपना टाइम वेस्ट करने इधर आ चुका था। ये कहकर ही वो घर से निकल गया। शेरलॉक मेरे तरफ घूमकर कहा, वॉटसन तुम जाके अभी सो जाओ भाई, मुझे आज रात थोड़ा सा काम है। सुबह उठकर मैंने ये देखा था कि पूरा रूम हमारा धुएं से भर चुका है। मैंने शेरलॉक से पूछा, तो फिर शेरलॉक, कुछ हुआ तुम्हारा काम रात को? माय डियर वॉटसन, नहीं, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कल रात को मैं जिस काम के लिए निकला था वो काम पूरा पानी में।
मैंने ये भी देखा कि डॉक्टर लियोन अपने जहाज में ही वापस गए क्योंकि उधर उनका बाकी का बैगेज था, यानी कि वो भी शक के दायरे से बाहर है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई एक प्रेत उस घर के अंदर आया था। हम दोनों की बात चल रही थी, इसी बीच हमने सुना कि हमारे घर के बाहर एक कार आकर रुकी। हम दोनों घर से निकल आए और देखे कि उसके अंदर से पादरी साहब एकदम भाग कर कॉटेज के अंदर आए। उनके सांसें फूल चुकी थी, आंखें बाहर आने वाली थी। वो चिल्लाकर बोले, सर सर, हमारे गांव में पिशाच हमारे पूरे पूरे गांव को ये खत्म कर देगा। मैंने उनको पकड़कर जोर से पूछा, अरे क्या हुआ है बताओ? श्राप लगा है सर, हम सबके ऊपर श्राप लगा। हम दोनों ने उनसे पूछा कि उनके कार्ट में और दो जन का जगह होगा क्या। उन्होंने बोला जरूर। तो हम दोनों चढ़कर तुरंत उसी वक्त मोर्टिमर के घर पहुंचे। वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, हम दोनों अंदर गए। हमने देखा कि अंदर उनकी लाश गिरी हुई थी टेबल के ऊपर, बिल्कुल जैसे वार्था पैलेस में उनकी बहन के साथ हुआ था। होम्स इतने देर तक खिड़की के बाहर कुछ तो देख रहा था, फिर अंदर आकर वो लैंप लाइटर के ऊपर के थोड़े से हिस्से को एक पेपर में बंद कर खुद के पास रख लिया। शर्लॉक मेरे कान के बाजू में आकर कहा, वॉटसन, हमें कुछ मिला है, अब भी यहां से निकलना पड़ेगा। घर जाके हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद ही मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये सच में खूनी है या नहीं। सो गाइस, इतने देर तक आप सुन रहे थे नॉस्टैल्जिक स्टोरीज में द एडवेंचर्स ऑफ द डेविल्स फुट। वैसे शर्लॉक होम्स से आपके पास एक सवाल आ रहा है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने गेस किए हो कि द मर्डर कौन किया था? अगर किए रहेंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल निकलने वाला है द एडवेंचर्स ऑफ द डेविल्स फुट द फाइनल फेट। टिल देन स्टे ट्यून्ड।